मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक बिजनेसमैन को एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस के फंक्शन में भाषण देने के लिए इनवाइट किया गया। 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वो बिजनेसमैन दहशत में आ गया, डर गया, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। उस बिजनेसमैन ने इस बात पे सोचा, उसने अपने डर को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और फिर उस पे काम करना शुरू किया। उसने अपने डर पे इस तरह फतह हासिल की, विजय पाई। कई रातों तक वो लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पे शांति से बैठता। उसने अपने आप से, धीरे से, शांति से और पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस डर पे विजय पाने वाला हूं, मैं इस पे अभी विजय पा रहा हूं, मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूं, मैं शांत हूं, मैं कंफर्टेबल हूं, मैं आरामदेह हूं। दोस्तों, इस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से काम करवाया। जब भाषण देने का समय आया तो उस बिजनेसमैन ने बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत ही कामयाब भाषण दिया और अपने डर पे विजय पाई। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन सुझाव के प्रति, सजेशन के प्रति ग्रहणशील होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन में उतर जाते हैं। जब ये सकारात्मक विचार अवचेतन में उतरते हैं तो आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्या है? कहा जाता है दोस्तों कि लोगों का सबसे बड़ा शत्रु, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डर। जी हां दोस्तों, डर। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोर रिलेशंस का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, डर आपके दिमाग का एक विचार मात्र है, केवल एक विचार। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं, डरते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, डर हमारे दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरते हैं, हम अपने ही विचारों से डरते हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है। जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा, लेकिन जब मां उसे लाइट जलाकर दिखाती हैं कि कोई राक्षस नहीं है, पलंग के नीचे, बिस्तर के नीचे कोई राक्षस नहीं है, तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली होता है जितना कि असली राक्षस होने पे होता है, जितना कि असली राक्षस होने पे होता है। बच्चे के मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जब मां उसे दिखाती है कि बिस्तर के नीचे कोई नहीं है तो उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो जाता है। जिस चीज का उसे डर था, जिस चीज का उसे डर होता है, वो चीज ही वहां मौजूद नहीं होती। इसी तरह से आपके ज्यादातर डर सच नहीं होते, वास्तविक नहीं होते हैं। दोस्तों, वो महज दुष्ट साए होते हैं
सायों का समूह होता है और साये छाया असली नहीं होते। दोस्तों, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें, जरूर कर दें और डर खत्म हो जाएगा। इस बात को आप जरूर आजमाएं दोस्तों। वो काम जरूर करें जिससे आप डरते हो। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स की अक्सर ये शिकायत रहती है कि वो एग्जाम्स में बहुत कुछ भूल जाते हैं। इम्तिहान से पहले उन्हें सब कुछ याद रहता है और इम्तिहान के बाद भी, एग्जाम्स के बाद भी उन्हें सारे जवाब बाकायदा याद आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स हॉल में उनका दिमाग अक्सर खाली हो जाता है। आई एम श्योर दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों ने इस प्रॉब्लम का सामना किया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के, सबकॉन्शियस माइंड के एक प्रमुख नियम में निहित है। दोस्तों, याद रखिए, वही विचार साकार होता है जिसपे हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसपे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इन स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते समय यह पता चलता है कि उनका ध्यान असफलता के विचार पे सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है। वो असफलता के बारे में, वो नाकामयाबी के बारे में, वो फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं। नतीजा ये दोस्तों कि उनका अवचेतन मन, उनका सबकॉन्शियस माइंड असफलता साकार कर देता है। असफलता का डर एक टेम्पररी फॉरगेटफुलनेस, एक टेम्पररी भुलक्कड़पन लाकर असफलता पैदा कर देता है। दोस्तों अब एक मिसाल लीजिए अक्षता की। अक्षता अपनी क्लास की बेहद टैलेंटेड मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन जब भी वो कोई रिटन या ओरल एग्जाम देती थी तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। उसे इसका कारण बताया गया, समझाया गया। अक्षता एग्जाम्स के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पे सोचा करती थी और इस पे चिंता भी करती थी। उसके ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए थे और डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में, इन सिंपल वर्ड्स, अक्षता अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वो उसे फेल करवा दे और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। एग्जाम के दिन वो सब कुछ भूल गई। अवचेतन मन, सही सोचें, अच्छा सोचें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बात हो रही है मेडिकल स्टूडेंट अक्षता की। वो हमेशा नकारात्मकता पे, असफलता पे, फेलियर पे फोकस करती थी। नतीजा ये कि रिटन और ओरल एग्जाम में वो जब भी अपीयर होती तो उसके दिमाग से आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। अनजाने ही वो अपने अवचेतन मन से ये आग्रह करती कि वो उसे फेल करवा दे और अवचेतन मन ठीक यही काम करता था। एग्जाम्स के दिन वो सब कुछ भूल जाती और फिर अक्षता ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का स्टडी किया। तब उसे पता चला कि अवचेतन मन यादों का खजाना है, उसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है। जो अक्षता ने मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान, मेडिकल स्टडीज के दौरान सुनी या पढ़ी थी। यही नहीं, अक्षता ने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और पारस्परिक भी। और फिर अक्षता ने फैसला किया कि वो अपने अवचेतन मन के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक गहरा
तालमेल बनाएगी, और उसका तरीका था शांत रहना, आरामदेह रहना और कॉन्फिडेंट रहना, आत्मविश्वासी रहना। हर सुबह और रात को वो ये कल्पना करने लगी कि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वो उनके एक इमेजिनरी लेटर को, एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी। जब वो इस सुखद परिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। दोस्तों, इस प्रेरणा में अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति की कमान अक्षता ने अपने हाथ में ले ली। इसने उसी अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया और अक्षता ने अपने फाइनल रिजल्ट्स की भी कल्पना कर ली। बस इसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। जब अक्षता ने इस टेक्निक को फॉलो किया तो उसे एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आई और उसे बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। इस तरह अक्षता ने अपने मन के डर को खत्म किया, क्योंकि दोस्तों, डर के आगे जीत है। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जब रेनू 10 साल की थी तो अचानक एक स्विमिंग पूल में गिर गई। उसने कभी तैरना नहीं सीखा था। उसने अपने हाथ पैर हिलाए लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। रेणु को महसूस हुआ कि वो डूब रही थी। उसे इतने सालों बाद अब भी वो दहशत याद है जब पानी उसे घेरे हुए था। उसने सांस लेने के लिए मुंह खोला था लेकिन मुंह में पानी भर गया था। आखिरी पल एक लड़के ने उसकी हालत देख ली थी और वो पानी में कूदकर उसे बाहर निकाल आया था। ये अनुभव रेणु के अवचेतन मन में उतर गया। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि वो बरसों तक पानी से डरती रही। फिर एक दिन उसने अपना ये डर एक साइकोलॉजिस्ट को बताया और साइकोलॉजिस्ट ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर उसे कहा, तुम स्विमिंग पूल में वापस जाओ और पानी की तरफ देखो। पानी सिर्फ एक केमिकल एलिमेंट है। पानी क्या है? ये हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु से बना है, H2O। पानी की कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास रेणु दोनों है, इच्छा भी और जागरूकता भी। साइकोलॉजिस्ट ने फिर आगे उसे कहा, एक बार जब तुम ये समझ लेते हो कि पानी निष्क्रिय है तो जोर से दृढ़ आवाज में पानी से कहो, मैं तुम पे विजय पाने वाली हूं। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो, लर्न स्विमिंग। पानी पे विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। दोस्तों, रेणु ने साइकोलॉजिस्ट की बात मान ली और उसने ऐसा ही किया। जब उसने नया मानसिक नजरिया अपना लिया तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और उसे शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास दिया। इसने रेणु को अपने डर से उबरने में समर्थ बनाया और उसने पानी पे विजय हासिल कर ली। दोस्तों, आजकल रेणु हर रोज सेहत और आनंद के लिए तैरने जाती है। दोस्तों, पानी को अपने आप पे विजय न पाने दें। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, देवेंद्र एक बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है। कई सालों तक वो लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरते थे। वो हर सुबह लिफ्ट से जाने के बजाय सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचते थे, लेकिन जब उन्हें ऊंची मंजिलों पर दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलने जाना होता तो वो अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्टोरेंट में मिलते थे। दोस्तों, जब देवेंद्र को किसी और शहर जाना होता
तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती। दोस्तों जिस होटल में उनको रहना होता वो वहां हमेशा फोन करते और ये निश्चित करते कि होटल का उनका कमरा नीचे वाली मंजिल पे है ताकि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर पाएं, लिफ्ट का नहीं। दोस्तों जाहिर है ये डर उनके अवचेतन मन की उपज थी। शायद उन्हें कोई ऐसा अनुभव मिला होगा, कुछ ऐसी बात सुनी होगी जिस वजह से वो लिफ्ट से डरते थे, एलिवेटर से डरते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया और उन्हें ये निश्चय करना पड़ा कि उन्हें अपने इस डर से मुक्त होना है। एक साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें ये तरकीब बताई। वो दिन रात कई बार लिफ्ट को दुआएं देने लगे। शांत और आत्मविश्वासी होकर वो यूं दोहराते थे, हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है, ये शाश्वत दिमाग से पैदा हुई है, ये हमारे सभी एम्प्लॉयज के लिए वरदान है, ये अद्भुत सेवा करती है, ये दैवी विधान में काम करती है, मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूं, मैं अब शांत बैठा हूं जबकि जीवन प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। अपनी कल्पना में मैं इसी समय लिफ्ट में हूं और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूं। लिफ्ट हमारे एम्प्लॉय से भरी है, मैं उनसे बात करता हूं और वो फ्रेंडली, खुश और आजाद हैं। ये आजादी आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है, मैं धन्यवाद देता हूं। दोस्तों देवेंद्र 10 दिनों तक ये प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वो कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने अपने आप को पूरी तरह आजाद महसूस किया, अपने डर से मुक्ति पाई। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। अमेरिकन सेना के एक पूर्व पादरी जॉन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिस जहाज पे थे वो एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से तबाह हो गया। उन्हें घने जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों में उतरना पड़ा। दोस्तों न्यू गिनी ये घने जंगलों से ढका हुआ प्रदेश था। जाहिर है वो डरे हुए थे, लेकिन वो जानते थे कि डर दो तरह का होता है, एक नॉर्मल फियर और एक एबनॉर्मल फियर, एक सामान्य डर और एक असामान्य डर। वो जानते थे उस वक्त जो असामान्य डर उन पे हावी होने की कोशिश कर रहा था वो दरअसल दहशत था। जॉन ने अपने डर के बारे में फौरन कुछ करने का फैसला किया। वो अपने आप से बोलने लगे, जॉन तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते, तुम्हारा डर दरअसल सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। दोस्तों फिर जॉन ने अपने डर को कैसे काबू किया और उस घने जंगल से वो कैसे बाहर आए, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों अमेरिकन सेना के एक पूर्व पादरी जॉन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिस जहाज पे थे वो एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से तबाह हो गया। उनका जहाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। उन्हें जंगल से पूरी तरह ढके न्यू गिनी के घने पहाड़ों में उतरना पड़ा। दोस्तों जाहिर है कि वो डरे हुए थे, लेकिन वो जानते थे कि डर दो तरह का होता है, नॉर्मल फियर और एबनॉर्मल फियर। जॉन ये जानते थे, उन्हें इस बात का एहसास था कि उस वक्त जो असामान्य डर उन पे हावी होने की कोशिश कर रहा था वो दरअसल दहशत थी। उन्होंने अपने डर के बारे में फौरन कुछ करने का फैसला किया। वो अपने आप से यूं बोलने लगे, जॉन तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते, तुम्हारा डर
दरअसल सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। जस्ट काम डाउन। दोस्तों, वे एक छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांस को नॉर्मल किया, अपने आप को शांत रखा, काम रखा। नतीजा ये कि उनका डर कम हो गया, दहशत के आसार कम हो गए। जैसे ही वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगे, आरामदेह महसूस करने लगे, वो ये सकारात्मक दावा करने लगे, जो असीम बुद्धिमता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वो 10 मिनट तक ऐसा जोर जोर से कहते रहे। उसके बाद क्या होता है, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अमेरिकन सेना के एक पूर्व पादरी जॉन न्यू गिनी के घने जंगलों में फंस गए, क्योंकि उनके जहाज को एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से तबाह कर दिया गया था। कुछ देर के लिए जॉन दहशत में थे, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को संभाल लिया, गहरी सांस ली और फिर उन्होंने जोर जोर से ये कहना शुरू कर दिया कि उनको मार्गदर्शन जरूर दिखाया जाएगा। असीम बुद्धिमता उनको मार्गदर्शन जरूर देगी। अचानक उन्हें अपने भीतर कोई चीज हिलती महसूस हुई। दोस्तों, ये आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। जॉन खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुए। वहां उन्हें एक धुंधली सी पगडंडी दिखाई दी और वो उस पगडंडी पे चलने लगे। 2 दिन तक जॉन लगातार चलते रहे और 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मिरेक्युलसली वो एक छोटे गांव में पहुंच गए, जहां के लोग दोस्ताना थे, बहुत फ्रेंडली थे। उस गांव के लोगों ने जॉन को खाने को दिया और फिर जंगल के किनारे तक ले गए, जहां एक रेस्क्यू टीम हवाई जहाज से उन्हें बचा कर ले गई। दोस्तों, जरा सोचिए, जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने, उनके एटीट्यूड ने, मेंटल एटीट्यूड ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा दिया। अगर जॉन अपनी किस्मत पे आंसू बहाते और अपने डर का शिकार होते, तो डर का राक्षस उनसे जीत जाता। शायद जॉन डर के कारण ही भूखे ही मर गए होते, लेकिन जॉन ने अपने अंदर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति में पूरा विश्वास किया और वो बच गए। जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, राजीव एक बहुत बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। 3 साल से वो इस दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वो हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वो उम्मीद करते थे कि उनके सबॉर्डिनेट्स को तरक्की देकर, प्रमोशन देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वो कल्पना करते थे, वो अस्तित्व में नहीं थी। ये तो उनके दिमाग का एक बुरा तनावपूर्ण विचार था, एक ख्याल। उनकी तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी ड्रामेटाइजेशन कर दिया, जिससे वो और ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। दरअसल दोस्तों, राजीव ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। जरा सोचिए, उनकी नकारात्मक कल्पना,
डर के सुझावों पे अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की और इस वजह से राजीव गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण फैसले लेने लगे और आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर राजीव अपने मन में फौरन अलग चीज की कल्पना कर लेते, कामयाबी की कल्पना कर लेते, कोई अच्छी कल्पना कर लेते तो उन्हें नौकरी से बिल्कुल नहीं निकाला जाता। ये उन्होंने खुद करवाया, अपने आप को नौकरी से निकलवाया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, निर्मल एक बहुत बड़ी कंपनी में टॉप के ऑफिसर है। निर्मल में आंतरिक शांति का गहरा एहसास है। हालांकि उनके राइवल्स उनकी लगातार आलोचना करते रहते हैं और मौका ढूंढते रहते हैं कि वो निर्मल की गलतियां ढूंढे, खामियां ढूंढे और उनकी आलोचना करें, लेकिन निर्मल इससे कभी विचलित नहीं होता। उसकी आदत है कि वो सुबह 15 मिनट तक, वो कैसे करता है दोस्तों, वो इस तरह शांति कैसे बनाए रखता है अपने मन के अंदर। उसकी आदत है कि वो सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वो अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है जो सभी तरह की मुश्किलों और डर पे विजय पा लेती है। दोस्तों, कुछ महीने पहले आधी रात को एक घबराए हुए कलीग ने निर्मल को फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे और वो उसे कंपनी से हटाना चाहते हैं। जवाब ने निर्मल ने क्या कहा और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निर्मल की। निर्मल एक कंपनी के टॉप ऑफिसर हैं और उनके राइवल्स उनकी आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन निर्मल एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा महासागर है। कुछ महीने पहले आधी रात को एक घबराए हुए कलीग ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, लेकिन निर्मल ने अपने कलीग से कहा, मैं इस समय शांति से सोने जा रहा हूं, हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, निर्मल जानता है कि कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि वो उस विचार को भावनात्मक रूप से न ले और मानसिक रूप से स्वीकार न कर ले। वो डर के विचार अपने मन में रखने से इनकार करता है। दोस्तों, ये गौर करने लायक बात है कि निर्मल इस बात पे यकीन करता है कि उसे तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि वो उसे इजाजत न दे, उसे अनुमति न दे। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।